ये देखो ये हो गए, ये हैं, ये है आपका ये। तो अभी मेरे को लग रहा है आधा घंटा लगना चाहिए मैक्सिमम, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ क्या है, क्या फाइनल लुक निकल के आई है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी अभी हम लोग रेडी कर चुके हैं निष्ठा को स्कूल जाने के लिए। देखो निष्ठा ने शूज़ भी पहन लिए हैं और रेडी भी हो चुकी है, और अभी फ़िलहाल टाइम भी हो चुका है हमारा। तो आज आपका हिंदी का डिक्टेशन का टेस्ट है, तो अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। और उसके बाद आप ना जो दूसरे वाले भैया हैं ना कैब वाले, उनके साथ आना आज, और वो आपको सीधा घर पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें दिन में काम से जाना है ना घर, इसलिए तो वहीं से हम आपको पिक कर लेंगे। और डैडी आज तो हिंदी का टेस्ट है ना, इसलिए हिंदी के वर्ड्स तो मैं जब उसे अच्छे से बोलती हूँ तो मैं लिख भी लेती हूँ। हाँ, लेकिन मुझसे ना इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखे जाते, ऐसे बोल बोल कर हिंदी के लिखे जाते हैं। हिंदी के लिखे जाते थे पहले, अब लिखे जाते हैं, अब इंग्लिश के लिए लिखे जाते, थोड़े दिनों बाद इंग्लिश के भी लिखे जाएंगे, ऐसे बोल धीरे धीरे सीखते हैं। हाँ, अभी हिंदी के लिखना सीख गए, इंग्लिश के भी सीख जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मतलब आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम देना, और उसके बाद घर पे मिलते हैं, ठीक। चलो बाय कर दो सबको, अब चलते हैं, टाइम भी हो गया है। एग्ज़ाम नहीं देना, फेल नहीं होना, फेल होना है, मैं कह रहा हूँ फेल नहीं होना, फेल हो जाओगे बेटा ऐसे तो एग्ज़ाम में। आपने आप कहे नहीं तो जो बच्चे जाते नहीं हैं उनको मैडम फेल कर देती हैं एबसेंट एबसेंट लिख के, इसलिए आपको एग्ज़ाम में तो जाना ज़रूरी है, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ मत सोचो, टाइम हो गया, चलो चलते हैं। चलो गाइस, निष्ठा को मैं छोड़ के आता हूँ, वैन आने वाली है निष्ठा की अभी, तो निष्ठा को छोड़ देते हैं वैन पे, और फिर उसके बाद मैं आता हूँ घर पे, और यहाँ से फिर तैयारी करते हैं, क्योंकि घर जाना है हमें काम से, तो फिर उसकी तैयारी करते हैं आके। फिलहाल अभी निष्ठा को स्कूल छोड़ाते हैं, चले। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि घर पे कराना है काम, निष्ठा स्कूल वहीं से वहीं आ जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं और बस चले 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 चले। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बस, और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, थोड़ा हमें टाइम लग गया, और जो भैया काम के लिए आने वाले थे घर पे वो काफ़ी देर से खड़े हैं वहाँ पे, आधा घंटा हो गया उसको खड़े हुए घर पे ही। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं घर, 10 मिनट और लगेगा यहाँ से, घर पहुंचते हैं एक बार, काम वगैरह कराते हैं जो भी है, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, तो पता नहीं होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसे टाइम भी निकले, ऑफिस आवर्स में भी नहीं निकले, हम तो बाद में ही निकले हैं, पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही जाम हो रखा था। चलो कोई नहीं, वही तो बस, अब तो थोड़ी देर ही लगेगी, 10-1 मिनट लगेगा पहुँचने में। अभी पहुंचते हैं पहले घर पे, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं जो भी हमें काम कराना है वो सारा बताता हूँ। और निष्ठा स्कूल चली गई थी जैसे कि आपने देखा, और वो स्कूल से अब यहीं पे आ जाएगी सीधा डायरेक्ट, तो फिर यहीं से हम उसको साथ में लेके आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कौन पिक करता है उसको, मम्मी भी आई है साथ में, सब लोग साथ में ही है देखो, तो कौन पिक करता है वहाँ पे निष्ठा को, तो इसलिए हमने उनकी कैब वाले भैया को बोल दिया, निष्ठा के कैब वाले भैया को, कि आप निष्ठा को वहीं छोड़ देना। तो उन्होंने बोला ओके, तो बस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, अभी जो भैया थे वो भी आके चेक करके चले गए हैं, अभी वो कैटलॉग वगैरह लेने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि पीवीसी पैनल लगवा दे। देखो आपको दिख रहा होगा, पूरी सीलन, उधर पूरी सीलन, उधर पूरी सीलन, पूरी सीलन ही सीलन हो चुकी है। तो आज हम इसको यहाँ पे पीवीसी लगवाएंगे, प्लस एक दो काम और है वो देख रहे हैं। प्लस आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं आया था घर पे, तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडिंग पॉट रख के गया था, ये वाला स्टैंडिंग वॉश बेसन, तो इसको भी लगाना है आज। तो अभी निष्ठा की मम बुला रही है प्लम्बर को, तो प्लम्बर आगे तब तक ये लगाएगा, उसके बाद भैया कैटलॉग लेके आएंगे, तो वहाँ का डिसाइड करके वहाँ लगवाते हैं। तो गाइज अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ना इस रूम से थोड़ा सामान हटा देते हैं, भैया गए हैं लेने, मतलब कैटलॉग लेने गए हैं फिलहाल। हम लोग कर रहे हैं एक लंबा इंतज़ार, क्योंकि अभी पहले तो बता दूँ दोनों बच्चे अंदर सो रहे हैं, इसलिए मैं बाहर आके ब्लॉग कर रहा हूँ, और इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो ये चेंज कराना था ना ये, तो इसके लिए प्लम्बर भाई साहब को अभी बुलाया है, तो वो पहले तो बोल रहा था मैं आ रहा हूँ, उसके बाद फिर अभी दोबारा फ़ोन किया, बहुत देर हो गई, तो कह रहा है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे को टाइम लग जाएगा, शाम को आ जाऊँ, 5 बजे आ जाऊँ, 6 बजे आ जाऊँ, हमने बोला भैया हमें जाना है। तो फिर फाइनली उसने बोला कि चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ आने की जल्दी, तो अभी उसका इंतज़ार है, प्लस
जो अभी पीवीसी पैनल के लिए हमने दो डिजाइन पसंद कर लिए हैं। देखो पूरी कैटलॉग है यहाँ पे, ये रही, ये भैया ने हमें पूरी कैटलॉग दिखाई और ये पूरे हमें डिजाइन बता दिए। ये देखो, ये देखो, ये हो गए, ये हैं, ये है आपका, ये तो हमने एक डिजाइन तो पसंद किया है, ये इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चूज किया है। दूसरा मैं आपको दिखा, दूसरा हमने एक चूज किया है ये, तो अब देखो उन्होंने चेक करने के लिए भेजा है आगे कंपनी में कि कौन सा साइज अवेलेबल है, तो जो साइज अवेलेबल होगा वो हम करवाएंगे। तो अभी वो भैया पता करने गए हैं और अभी देखो बज रहे हैं 2, निष्ठा आएगी 3 बजे, तो अभी बस 1 घंटे में आई जाएगी। तो बस करते हैं इंतज़ार और देखते हैं क्या अपडेट है प्लम्बर भाई साहब और हमारे ये पीवीसी वाले कितनी देर में आ रहे हैं, जो भी है फिर आपको बताते हैं। अभी तो फिलहाल बस हम रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस अपना काम हो चुका है शुरू और यहाँ पे देखो ये लगा दिया है, मतलब यहाँ पे रख दिया है। अब इसको हम देखते हैं क्या करना है, फिलहाल नया वाला लग रहा है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो चुका है, बहुत पेशन वो वाला हटा दिया है, ये लग चुका है, नल का हमने वो यूज़ किया है और बाकी देखो पूरी यहाँ पे गंदगी गंदगी हो रही है, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि निष्ठा को, मम्मी को, बच्चों को ना इसकी नानी के यहाँ पे छोड़ आएंगे, वहाँ रह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये काम होगा फिर थोड़ा तो शोर शराबा भी होएगा, ठक 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 ठक, वो कील से ठोकना पड़ता है उसको भी, तो वो सब भी होगा, तो इसलिए शोर होएगा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं बच्चों को आराम से वहाँ पे शांति में छोड़ आएंगे। तो अभी देखते हैं जो भी है, जैसा भी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। तो अभी निष्ठा मैडम भी यहाँ पे आ चुकी हैं, ये देखो निष्ठा मैम साहब कैसे हैं आप, कैसा गया आज का एग्जाम? अच्छा। अच्छा क्या? मेरे को सामान मत मंगाने देना, तुम वो आ जाएगा ना तो फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, हाँ तो ठीक है, लाओ इसको कपड़े मेरे को दे दो, मैं पहना देता हूँ। निष्ठा को कपड़े चेंज करा देते हैं गाइस, उसके बाद हमारा वो काम करने वाले भैया भी आने वाले हैं। हमारा यहाँ पे पीवीसी का जो सामान है वो आ चुका है, देखो ये रहा, ये पूरी स्ट्रिप्स हैं पूरी, ये 10 फीट लंबी होती हैं, ये रही, ठीक है, इनको हम लगाएंगे उस वाली दीवार। तो अभी फ़िलहाल निष्ठा की मॉम थोड़ा इधर साफ़ सफाई कर रही है हल्का फुल्का, बाकी निष्ठा और दोनों बच्चे, निष्ठा की दादी, सब लोग जा चुके हैं निष्ठा की नानी के घर पे, क्योंकि यहाँ पे सारा गंदगी फैल जाएगी ना अभी, तो इसलिए हमने सोचा बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे तो इन्हें वहीं भेज देते हैं। खाना पीना भी नहीं है ना, और कुछ खाया पीना भी नहीं खाया है, कच्चा सामान नहीं है ना, दूध नहीं है, कुछ नहीं है, क्या बनाएं, खाया भी नहीं है, प्लस कुछ है भी नहीं खाने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा एक बार वहीं भेज देते हैं, कुछ खा भी लेंगे, तो वो लोग वहीं खा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे तब तक काम कराते हैं। और ये ग्रास भी है, ये लगेंगी साइड वाली दीवार पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अपना काम तो अभी चल रहा है, फिलहाल अभी और टाइम लगेगा। और निष्ठा की मॉम यहाँ पे कपड़े धो रहे हो या पानी, मैट डाले हैं, मैट धो रहे हो, ये भी ठीक है ना। और गाइस देखो पूरी पूरी बालकनी ना गंदी थी, निष्ठा की मॉम ने अभी साफ कर लिया, देखो अब कितनी चमक रही है। क्या फायदा, देखो काम मरेगा गाइस, कोई फायदा आप बताइए, हैं अब पैसे पूरे जा रहे हैं, और हालांकि मैंने रोज रोज नहीं बोला, एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के मैंने बोला है, अभी बच चुके हैं रात के 8 और अभी भी काम चल ही रहा है, ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बच रहा है, तो अभी मेरे को लग रहा है आधा घंटा लगना चाहिए मैक्सिमम, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ क्या है, क्या फाइनल लुक निकल के आई है। और अभी हम सोच रहे थे 1-2 काम और कराते, बट टाइम की कमी की वजह से अभी फ़िलहाल नहीं करा रहे हैं, बाद में कभी कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, बच्चे वहाँ पर अकेले भी हैं, बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे बिना मम्मा के, तो ठीक है बस अभी निकलेंगे, बस थोड़ी बहुत देर में काम होते ही, और मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक क्या आई है। तो गाइस फाइनली ये देखो 9:15 होने वाले हैं और अब जाके काम निपटा है पूरी तरीके से, अब भैया भी जा चुके हैं काम करके, और हमने एक दो चीज़ें और ऐड ऑन करा ली, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ग्रास लगा ली, थोड़ा टाइम इसमें लग गया, और अंदर का मैंने आपको लुक दिखाया ही था, बाकी अच्छे से अभी मैं दिखाता हूँ। और अभी हम फिलहाल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट, तो अभी हम लोगों को निकलना है फटाफट, क्योंकि वहाँ पर बच्चे दोनों बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं,
तो हमें फटाफट निकलना चाहिए, बस हम 5 मिनट में निकल रहे हैं अभी। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का लुक। ये देखो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस वाली वॉल पे पूरी ऊपर से नीचे तक ग्रास, ओके, उसके बाद इस वाली वॉल पे ऊपर से नीचे तक ग्रास, और बीच में हमारा ये पीवीसी पैनल। ये देखो, आप बताना कैसा लुक आ रहा है। वैसे तो हमारे पास बहुत ऑप्शन थे इसमें, बट हमें यही पसंद आया क्योंकि पिछला कलर भी ऐसा ही था ना वॉलपेपर का, तो उससे हमें मिलता जुलता लगा, तो इसीलिए हमने करा लिया। ऊपर से प्लस इसमें डबल शेड भी है, ये पिंक वाइट, पिंक क्रीम ऐसे करके, तो ये वाला प्रॉपर आ गया, इससे मैच हो गया, इसलिए हमने चूज़ किया। बस फटाफट चलते हैं, आपसे मिलेंगे रास्ते में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, और अभी बज रहे टाइम, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। देखो 11 बजने, अभी 11 बजने वाले हैं बस 5 मिनट में, और अभी हम लोग निकल चुके हैं। निष्ठा भी यहाँ पे येरी सोई पड़ी है, इसको नींद आ रही है बहुत, ये सो रही है 2-3 घंटे से अभी भी। इसको बस गोदी में उठाया और गाड़ी में बिठाया, और ये कंटिन्यू यहाँ पे सोई रही है। अभी 11 बज रहे हैं, हम थोड़ा हाँ लेट हो गए, बट कोई नहीं, काम पूरा हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। चलो काम निपट गया, और अभी इसीलिए हम बोला चल, तो एक आधा घंटा लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो अभी बस पीछे बैठे हैं सब लोग, ये देखो मम्मी यहाँ बैठी हैं, ये यहाँ पे हैं दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए। इन्होंने परेशान तो नहीं किया ज़्यादा, इसके बिना चल ही जाता काम इनका तो बीच बीच में। अच्छा, दूध के लिए नहीं बोल रहे थे, दूध मांग रहे हैं, याद करते हैं भाई, बना के पिलाया था, थोड़ा सा पिया था, एक बार इसकी मौसी ने बना के पिलाया था। अच्छा, ये क्या कर रही है भाई? नींद में है सर। निष्ठा भी थकी हुई है, बच्चे भी। अच्छा अच्छा ठीक है, बस पहुंचते हैं घर, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ओए होए मैं भी छुंदे हां जा, हां छोरी बेटे छोरी, हां छोरी, ओए होए मेरा बच्चा कुटी, ओए होए, चल दूध दे, मेरा बच्चा दूध पिएगा, दूध।